बॉलीवुड की नगरी फिलहाल किसी काले अंधेरे साए में बदल चुकी है, जहां सब कुछ बिखरता चला जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम जब से ड्रग्स रैकेट में आया है, तभी से इस हाई प्रोफाइल केस में नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। फिलहाल आर्यन खान ऑर्थर जेल में बंद है। इस पूरे मामले के बीच शाहरुख खान की फिल्मों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक साउथ की सबसे बड़ी अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने किंग खान के साथ फिल्म करने से मना कर दिया है। बता दें कि अभिनेत्री का हाल ही में अपने पति और सुपरस्टार नागा चैतन्य से तलाक हुआ था। बताया जा रहा है कि सामंथा अपनी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म करने जा रही थी, जहां उन्हें शाहरुख खान की फिल्म ऑफर की गई, पर अभिनेत्री ने यहां साफ मना कर दिया। फिलहाल ये खबर किंग खान की छवि पर बड़ा सवाल कर रहा है। चूंकि शाहरुख खान को बॉलीवुड के बादशाह के रूप में पहचाना जाता है, उनके करोड़ों फैंस हैं, वहीं फिल्म जगत की बड़ी बड़ी अभिनेत्री किंग खान के साथ काम करने के मौके की तलाश में रहती हैं। अब ऐसे में सामंथा का मना करना कहीं न कहीं ये साबित करता है कि बेटे आर्यन खान की वजह से उन्हें आगे काफी नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार शाहरुख खान तमिल डायरेक्टर अटाली की फिल्म लायन कर रहे हैं, जहां उनके साथ मुख्य भूमिका में तमिल फिल्म अभिनेत्री नयनतारा नजर आने वाली है। लेकिन नयनतारा को यहां ये मौका सामंथा की वजह से ही मिली है, क्योंकि अभिनेत्री ने किंग खान इस फिल्म को साफ इनकार कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामंथा इस फिल्म के लिए मेकर्स की सबसे पहली पसंद थी। मौजूदा समय में आर्यन खान ड्रग्स केस में बेहद बुरे तरीके से फंस चुके हैं, जहां वो 2 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज शिप के दौरान चल रही रेप पार्टी की छापेमारी में पकड़े गए थे। यहां एनसीबी ने उनसे पूछताछ में अब तक कई अहम बातों का खुलासा करवाया है। इसी बीच इस पूरे मामले में अब तक शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं मिल पाई है। यहां किंग खान दिन रात कानून के पन्ने पलट रहे हैं, ताकि अपने लाडले को जेल से बाहर निकलवा सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।